Hello everyone, dear student. Today we will start our new exercise, exercise 11 of probability chapter from business statistic book. Dear student, इस exercise में हम करेंगे उल्टा पलटी, कैसे एक bag से book निकाल के दूसरे bag में डालना, फिर वहां से second bag से फिर ball निकालना, फिर उसकी probability, मतलब टोटली कंसेप्ट जो है प्रैक्टिकल बेस्ड है. अगर आप देखोगे ये एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं. एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 105. अ बैग कंटेन्स फोर ब्लैक एंड टू व्हाइट बॉल्स. एक बैग में आपके पास है फोर ब्लैक और टू व्हाइट बॉल्स और अनदर बैग में है टू ब्लैक वन व्हाइट बॉल. अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग. उसने कहा फर्स्ट बैग में से आपने बॉल निकाली, सेकेंड में रख दी, फिर सेकेंड बैग में से निकाली. प्रोबेबिलिटी बताइए कि सेकेंड बैग वाली व्हाइट है. अब आपके पास देखिए, यहां कराती हूं मैं, आपके पास टू बैग है, बैग वन और बैग टू. इसने कहा वन बैग में है वन ब्लैक और टू व्हाइट बॉल्स, सेकेंड वाले बैग में है टू ब्लैक प्लस वन व्हाइट बॉल. ये हमें बोला है इसने. अब इसने बोला कि इसमें से पहले इसने बैग वन में से एक बुक निकाल एक वो निकाली है सॉरी बैग वन में से एक बॉल निकाली है और उसको फिर सेकंड वाली में रख दिया. अब जब फर्स्ट वाली में से बॉल निकाली है, फर्स्ट बैग में से, अब इसको कुछ नहीं करना, हमने फर्स्ट बैग में से निकाली, हो सकता है उसने ब्लैक निकाली हो या हो सकता है व्हाइट निकाली हो. अगर ब्लैक निकालेगी तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी 1/3 और अगर व्हाइट निकाली होगी तो 2/3. अब इसने कहा इसको मान लो इसको बैग टू में डाला. बैग टू में ऑलरेडी थी टू ब्लैक और वन व्हाइट बॉल. अब इसने कहा इस वाले में अगर इसने एक और ब्लैक डाल दी होगी, टू ब्लैक से कितनी ब्लैक हो गई होंगी, थ्री ब्लैक और वन व्हाइट. या फिर अगर उसने व्हाइट डाली होगी, व्हाइट निकाल के इसमें व्हाइट डाल दी होगी तो टू ब्लैक प्लस ब्लैक तो टू ही रही, लेकिन इसमें एक व्हाइट, पहले एक व्हाइट थी एक और आ गई टू व्हाइट. नेक्स्ट इसने कहा सेकंड बैग से जो निकालेंगे वो व्हाइट ही निकालेंगे. अब इसमें से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी 1/4, यहां से व्हाइट की बनेगी 2/4. ठीक है, तो इसके दोनों केस बन गए. अब क्या करो आप इसकी से मल्टीप्लाई. केस वन था पहले वाले में से ब्लैक निकाली, दूसरे वाले में से व्हाइट, तो आपका बन गया ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 1/3 × 1/4 प्लस यहां से 2/3 × 2/4. तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम 1/12 प्लस 4/12, यहां से हमारा आंसर आ गया 5/12. यही हमारा आंसर आ जाएगा. अगर आपको करना हो ये बड़े मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करवाया वैसे भी कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 106. वन बैग ए कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, अनदर बैग बी कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल. टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड पुट इनटू द बैग बी. अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी. प्रोबेबिलिटी बताइए बॉल ड्रॉन इज व्हाइट. अब देखो पहले वाले केस में क्या था, ओनली वन बॉल उसने निकाली थी. अब कितने निकाली है, अब उसने निकाली है टू बॉल्स. पहले बैग वन है, बैग वन में आपके पास उसने बोला है 10 व्हाइट प्लस 3 ब्लैक बॉल है और जो बैग टू है उस वाले में है 3 व्हाइट प्लस 5 ब्लैक बॉल. अब बैग वन में से उसने कहा दो बॉल निकाली. अब क्या केस बन सकता है, या तो दोनों व्हाइट हो या दोनों ब्लैक हो, या फिर क्या हो सकता है वन व्हाइट और वन ब्लैक हो, यही हो सकता है. और कोई केस बन सकता है, नहीं बनेगा. तो अब क्या करेंगे हम, दोनों में अगर व्हाइट बॉल पूछिए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास पहले वाले की 10/13 मल्टीप्लाई, अब कितनी रह गई 9/12 और यहां से ब्लैक कितनी थी हमारे पास 3/13 मल्टीप्लाई 2/12 वन व्हाइट 10/13 वन ब्लैक 3/12. या तो ऐसे वाला केस कर सकते हो, नहीं तो ये भी कर सकते हो आप 3C2 / 13C2. ये वाला भी आप कर, जैसे व्हाइट है इसमें से 10C2
अपॉन में 13 सी टू, ये वाले केस भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपकी विश है, जैसे आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे, मैं अब ये नहीं सॉल्व कर रही। अब उसने कहा बैग टू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, इसकी वजह से बैग टू में से उन्होंने निकाली है वाइट बॉल। अगर दो बॉल और डाल दें इस बैग टू में, पहले थ्री वाइट थी और फाइव ब्लैक, अगर इसमें दो वाइट डाल देंगे तो कितनी वाइट हो जाएंगी, फाइव वाइट फाइव ब्लैक। अगर इसमें दो ब्लैक डाल देंगे, थ्री वाइट तो थी ही, टू वाइट और आ गई, सेवन ब्लैक ब्लैक और आ गई, वन वाइट और वन ब्लैक हो गई आपके पास, तो ये हो जाएगा फोर वाइट प्लस सिक्स ब्लैक। और वाइट की ही पूछी है प्रोबेबिलिटी, वाइट आपके पास आ जाएगा फाइव बाय टेन, यहां से थ्री बाय टेन, यहां से फोर बाय टेन, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे कर लो, इसकी इससे कर लो, प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा सिंपल सा। यहाँ पे भी कर रखा है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, मतलब जैसा आपको ठीक लगता है उसी वे से आप कर सकते हो, दोनों मेथड आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्स कंटेन फोर कॉपर कॉइन एंड थ्री सिल्वर कॉइन, सेकंड पर्स सिक्स कॉइन एंड टू सिल्वर कॉइन, अ कॉइन इज टेकन फ्रॉम एनी पर्स। अब एनी पर्स है, अब उसमें तो स्पेशली दे रखा था कि बैग वन में से हमने निकाला पहले, फिर बैग टू में से, अब इसने कहा एनी पर्स। अब देखो प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो कॉपर कॉइन हो। अब पहले तो हमें पर्स चूज करना पड़ेगा इसके लिए। इसमें हमारे पास दो पर्स है, एक पर्स वन और एक पर्स टू। पर्स वन में आपके पास है फोर कॉपर कॉइन्स है प्लस थ्री सिल्वर कॉइन है, और सेकंड वाले में आपके पास है सिक्स कॉपर कॉइन प्लस टू सिल्वर कॉइन। अब इसने क्या किया है, इसमें से पहले पर्स चूज करेंगे हम, क्योंकि उसने कहा एनी पर्स में से निकाला वो कॉपर कॉइन हो। अगर पहले पर्स में से निकाला तो 4/7 आ जाएगी, दूसरे में से 6/7 आ जाएगी, लेकिन पहले तो हमें पर्स चूज करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स चूज की क्या होगी आपकी, कितने पर्स है हमारे पास, टू है, तो पहले 1/2। अगर पहले पर्स में से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, फर्स्ट पर्स चूज कर लिया 1/2 इंटू कॉपर किया 4/7, या फिर यहां से हो जाएगा हमारे पास 6/1/2 इंटू 6/8। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज अ बैग कंटेन सिक्स व्हाइट एंड फोर ब्लैक बोल्स एंड सेकेंड वन फोर व्हाइट एंड एट ब्लैक बोल, वन ऑफ दीज बैग इज चूजन एट रेंडम एंड ड्रो ऑफ टू बोल्स इज मेड फ्रॉम इट। प्रोबेबिलिटी बताइए वन व्हाइट हो और अदर ब्लैक हो। अब देखो इसने क्या बोला है, इसमें भी यही है, कोई भी एक बैग चूज कर ले और उसमें से दो बॉल निकाले, एक व्हाइट और एक ब्लैक हो। अब पहले तो आपको बैग चूज करना पड़ेगा, सेम इसमें भी एक बैग ये है, एक टू। फर्स्ट बैग में आपके पास है सिक्स व्हाइट प्लस फोर ब्लैक बॉल्स, सेकंड में है आपके पास फोर व्हाइट और एट ब्लैक बॉल्स। पहले तो पर्स ये बैग चूज करेंगे, बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 1/2। और इसने कहा एक व्हाइट और एक ब्लैक हो। देखो इस वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अगर हमने पर्स ये वाला चूज किया 1/2, तो पर्स चूज करने की एक व्हाइट होना चाहिए, 6/10 इंटू एक ब्लैक होना चाहिए 4/9, ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास है, यहां से अगर हम सोल्व करेंगे, पहले तो 1/2 इंटू 4/12 इंटू 8/11 कम हो गया एक एक, ध्यान रखना है विद रिप्लेसमेंट का केस है ये वाला, विदाउट रिप्लेसमेंट का, सॉरी। अब सोल्व कर लेंगे, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, फिर इसको 2 2 जा 2 5 जा, 2/15 आ गया यहाँ से, फिर इसको सोल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 4/33, सोल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 109। 109 में है आपके पास अ बैग कंटेन्स 8 रेड एंड 7 व्हाइट बॉल्स, वन बॉल इज ड्रोन एट रेंडम एंड इन इट्स प्लेस अ बॉल ऑफ अदर कलर इज पुट इन द बॉक्स। देखो उसने क्या कहा, एक बॉल निकाली और दूसरे कलर की उसमें रख दी बॉक्स में। नाउ वन बॉल इज ड्रोन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। और प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि वो क्या हो, रेड। अगर व्हाइट निकाली है पहले तो रेड की रखेंगे, और रेड निकाली है तो उसके प्लेस पर
व्हाइट की, जो बॉल निकाली है। अब आपके पास है एक बैग है, इस बॉक्स में आपके पास है 3 रेड प्लस 7 व्हाइट बॉल। 1 बॉल निकाली उसने, 1 बॉल निकाली, या तो हो सकता है उसने रेड बॉल निकाली हो या फिर व्हाइट निकाली। अगर रेड निकाली है तो उसके बदले में रखेगा व्हाइट, और व्हाइट निकाली है तो उसके बदले में रखेंगे ये रेड। अगर रेड निकाली तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/10, व्हाइट की आपकी हो जाएगी 7/10। रेड था तो क्या रखेंगे वो, 1 व्हाइट, और व्हाइट थी तो 1 रेड, 1 व्हाइट इसमें रखेंगे हमारे पास। तो कितनी हो जाएंगी, पहले एक तो रेड कम हो चुकी थी, 2 रेड रह गई प्लस 7 व्हाइट, और एक और व्हाइट ये रखेंगे। ऐसे ही इस वाले में एक व्हाइट निकाल ली थी, 3 रेड है प्लस 6 व्हाइट रह गई, अब इसके बदले में एक और रेड रख देंगे, मतलब 4 हो गई रेड 6 व्हाइट। यहां पर आपकी हो गई 2 रेड प्लस 8 व्हाइट, और जो सेकंड वाले है वो बताना है कि नाउ इट इज रेड, अब रेड होना चाहिए। रेड की आपकी है 2/10, यहां से रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/4 = 10। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को प्लस कर दो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 कार्ड्स आर ड्रोन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स आपके पास 52 कार्ड्स में से इन्होंने क्या कहा है कि इसने 2 कार्ड्स ड्रो करे और कैप्ट आउट रख लिए। देन 1 कार्ड इज ड्रोन फ्रॉम द रिमेनिंग 50 कार्ड। पहले तो 2 कार्ड निकाले थे, फिर उसने दोबारा से रिमेनिंग 50 कार्ड्स है, प्रोबेबिलिटी बताइए वो 1 का है। जो 2 कार्ड निकाल रखे हैं पहले तो वो देखने पड़ेंगे, वो दोनों कार्ड हो सकता है 1 का हो। 50 अगर हम बात करें, इसमें 4 इक्का है और 48 अदर्स हैं, हो सकता है वो दोनों कार्ड जो 2 कार्ड्स निकाले थे दोनों 1 का हो सकता है 1 एक एस हो और 1 अदर हो, या फिर अलग केस हो सकता है कि दोनों ही नॉन इक्के हो, नॉन एस हो सकता है। ये हमारे केसेस बन सकते हैं उन 2 में से। अब उसके बाद जो ये 50 कार्ड बच जाएंगे उसमें से 1 कार्ड निकाला कि वो 1 का होना चाहिए, ठीक है। पहले तो हम इसको निकालेंगे, इसमें 1 के कितने थे, 4, तो 4C2/52C2, या तो इससे करो नहीं तो 4/52 × 3/51। एक 1 का हो 4/52, एक ना हो 48/51, दोनों ही नॉन 1 के हो 48/52 × 47/52। अब उसने कहा जो एक और कार्ड निकालेंगे वो 1 का होना चाहिए। अब 1 के कितने हो जाएंगे, अगर 2 1 के निकाल रखे थे तो अब कितने 1 के और रह, कितने और रह जाएंगे हमारे पास, 1 1 का रह जाएगा प्लस 48 अदर्स रह जाएंगे, क्योंकि 2 1 के पहले निकल गए, एक और निकल गया। अगर इस वाले केस में कितने रह जाएंगे, 3 एस + 47 अदर्स, नहीं अब 2 इक्के रह जाएंगे, 1 इक्का तो हमारा हो गया था, यहाँ 2 इक्के, सॉरी यहाँ पर हमारे पास है 9 इक्के थे, 1 इक्के पूरे हैं 4 एस, और ये बच गए हमारे पास 46। अब क्या करोगे आप, 1 इक्के की प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल लोगे 2/50, यहाँ से 3/50, यहाँ से 4/50, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर दो, प्लस करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। Now, the next is find the probability of 53 Sundays in a year selected at random. हमें 53 Sundays की जो probability है वो निकालनी है at random. 53 Sunday की अगर हम probability देखें, अब इसने ये निकाल in a year, 2 केस बनते हैं हमारे पास। पहले हम कर चुके हैं लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, नॉन लीप ईयर की क्या आती है। अब आपके पास 2 केसेस हैं, देखो 53, या तो ईयर 2 केस हो सकते हैं हमारे पास, जो ईयर है हमारा लीप ईयर हो या फिर नॉन लीप ईयर, ये 2 केस हमारे बन सकते हैं, या तो लीप ईयर हो या फिर नॉन लीप ईयर हो। अगर लीप ईयर है तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी,
और नॉन लीप ईयर है तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी वो हम देखेंगे, और 53 संडेज का हमें करना है। अगर हम लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी देखें वो हमारी आया करती थी 2/7, और नॉन लीप ईयर की आती थी हमारी 1/7। और हमारा हर फोर्थ ईयर जो होता है वो क्या होता है आपका लीप ईयर, हर फोर्थ ईयर लीप ईयर होता है। अब 2022 चल रहा है, ये लीप ईयर नहीं है बल्कि 2024 जो आएगा वो हमारा लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर कितना होता है हमारे पास, 3 तो हमारे आएंगे नॉन लीप ईयर और जो लीप ईयर आएगा उनमें से 1, तो 3:1 आपका होता है। तो यहां से हमारी लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की तो प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर हमने सेलेक्ट किया लीप ईयर तो 3/ नॉन लीप ईयर 3/4, अगर सेलेक्ट किया लीप ईयर तो 1/4। तो बस इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 2/7 प्लस 3/4 इंटू 1/7। तो 28 तो है ही है, 2+3 5/28 आपका आंसर आ जाएगा। अब लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाला कैसे था, 365 होते हैं, 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14, 1 आ गया रिमाइंडर। ये हमारा इसलिए 1/7 हो जाती थी कि 52 तो पूरे वीक है, जो ये 1 बच गया, ये लीप ईयर, ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से कुछ भी हो सकता है, और लीप ईयर में हमारे यहाँ 2 बच जाएगा, तो इसलिए 2/7, क्योंकि संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, कुछ भी आपका हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 112 इज 60% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द केवी XYZ कॉर्पोरेशन आर कॉलेज ग्रेजुएट, ऑफ दीज 10% आर इन सेल्स, ऑफ द एम्प्लॉइज हु डिडंट ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज 80% इन सेल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय सिलेक्टेड इज एट रैंडम इज इन सेल्स और इज नाइदर इन सेल्स नॉर इन कॉलेज ग्रेजुएट, और 2 ही केस है हमारे पास, या तो कॉलेज में ग्रेजुएट हो या एम्प्लॉय इन सेल्स है। हमने क्या किया, तो डियर स्टूडेंट इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आपका क्या आ जाएगा, 60% जो एम्प्लॉयज हैं जो हमारे पास है वो है कंपनी में ग्रेजुएट। तो आप 2 हेडिंग आप बना लेंगे, एक तो ग्रेजुएट, एक नॉन ग्रेजुएट। ग्रेजुएट आपके पास टोटल कितने ग्रेजुएट्स हैं, 60% 60/100 मतलब 0.60, तो टोटल होते हैं 100, तो 0.40 आपके पास आ गई नॉन ग्रेजुएट, और ग्रेजुएशन का 10% है सेल्स में, तो एक हेडिंग बना लो आप सेल्स की, इसका 10% तो 0.06, तो नॉट इन सेल्स में कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें से माइनस करोगे 0.60 में 0.06, 0.54, और इसका 80% सेल में है नॉन ग्रेजुएट का, तो 0.32, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.08 आपका आ जाएगा। अब आपके पास 2 क्वेश्चन थे, एन एम्प्लॉय सेलेक्टेड एट रैंडम इज इन सेल्स, वो सेल्स में हो तो सेल्स वाले कितने हैं आपके पास, 0.38, और नाइदर इन सेल्स नोर कॉलेज ग्रेजुएट, ना तो सेल्स में से लेना आपको ना ही ग्रेजुएशन में से लेना, तो बच्चे क्या है नॉन ग्रेजुएट में से, तो आपके पास नॉट इन सेल वाले लेंगे तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.08, पहले वाले का आंसर आया था 0.38, सेकंड वाले का आया 0.08। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर, हाँ 0.38, सेकंड वाले का 0.08। यहां से ना समझ में आता हो टेबल में से बहुत ईजी रहता है। दैट्स ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो अच्छा लगे आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।